प्रेरणा कथा। सब बराबर क्यों नहीं है? अकबर अपने अन्य दरबारियों के कहने पर समय समय पर अपने सबसे प्रखर नवरत्न बीरबल से बहुत से प्रश्न पूछते रहते थे। वो बीरबल की बुद्धि की परीक्षा के लिए इस तरह के प्रश्न पूछा करते थे। एक दिन जब बीरबल दरबार में आए, अकबर ने उनसे कहा, हम ये जानना चाहते हैं कि दुनिया में कोई व्यक्ति बहुत अमीर और कोई व्यक्ति बहुत गरीब क्यों होता है? सभी कहते हैं कि भगवान की दृष्टि में सभी लोग समान होते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान सभी मनुष्यों को खुश देखना चाहते हैं, परंतु ऐसा वास्तव में है नहीं। किसी व्यक्ति के पास बहुत धन है और वो आराम से बैठकर खाता है, और कोई व्यक्ति मुट्ठी भर अनाज के लिए दर दर भटकता रहता है। बीरबल ने कहा, महाराज, अगर भगवान ऐसा न करें तो ये दुनिया चल ही नहीं सकती। अकबर ने कहा, हम समझे नहीं। महाराज, आप भी तो किसी को 5,000, किसी को 500 और किसी को सिर्फ 5 या 7 रुपए ही प्रतिदिन पारिश्रमिक देते हैं। आप लोगों से खूब काम लेते हैं और तो सबको अलग अलग राशि देते हैं। आप सबको बराबर पैसे क्यों नहीं देते? अकबर गंभीर सोच में डूब गए, क्योंकि बीरबल के प्रश्न का उनके पास कोई भी उत्तर नहीं था। कुछ देर बाद बीरबल ने कहा, महाराज, जो जितना काम करता है उसको उतनी ही मजदूरी मिलती है। दुनिया ऐसे ही चलती है, अगर ऐसा ना हो तो दुनिया चलेगी ही नहीं। ठीक ऐसे ही भगवान भी अपने बच्चों अर्थात मनुष्यों को चलाते हैं और सबको अलग अलग देते हैं। मित्रों, कहने को तो हम कहते हैं कि जितना परिश्रम करोगे उतना ही फल प्राप्त होता है, परंतु एक व्यक्ति दिन भर पत्थर तोड़कर 20-50 रुपए ही प्राप्त करता है और एक मूर्तिकार एक पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाकर लाखों रुपए कमा लेता है। सिर्फ परिश्रम से या शारीरिक श्रम से पेट भरने के लिए तो पैसे मिल जाते हैं, परंतु अगर शारीरिक श्रम के साथ बुद्धि भी मिल जाए तो कई गुना पैसे मिल जाते हैं। अब बुद्धि भगवान देता है या हम उसका विकास करते हैं, ये सोचना आपके अपने विवेक पर निर्भर करता है। भगवान का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।